मैं अभिषेक चौहान। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई टेक्निकल गुरुजी जो हैं वो कैसे अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, अपनी जो टेक टॉक्स होती हैं उनको कैसे एडिट करते हैं। तो भाई चलिए मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे वीडियो एडिट होती है। तो सबसे पहले मैं एक मैकबुक यूज़र हूँ, तो मैकबुक प्रो मेरे पास है, मैं जिसमें एडिट करता हूँ। तो भाई अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लंबा भी वीडियो हो तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो है आई मूवी। तो आई मूवी सॉफ्टवेयर में हम जो है अपनी एडिटिंग जो पूरी करते हैं। और अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मीडिया और प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको प्रोजेक्ट पे जाना है और क्रिएट न्यू पे जाके हमको क्लिक करना है। क्लिक पे करने के लिए पहले हम दो चीज़ बना सकते हैं कि भाई मूवी, मूवी में क्या है कि आप वीडियो, फोटोज़ और म्यूज़िक को कंबाइन कर सकते हैं। और इसमें फॉलो टेम्पलेट एंड क्रिएट ए हॉलीवुड स्टाइल मूवी ट्रेलर, एक टेम्पलेट मिलेगा और आप अपना जो है मूवी ट्रेलर बना सकते हैं। तो चलिए हमको एक मूवी जो है करनी है। तो ऐसे करके ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। तो सबसे पहले हमको ये प्रोजेक्ट मीडिया पे जाके इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंपोर्ट करा लेना है जो भी आपका मतलब डेटा है जो आपको यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट्स में इतने सारे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मैं इन सबको जो है इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो देखिए भाई ये जो है इंपोर्ट सब कुछ सबके सब यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए ये सब यहाँ पर इम्पोर्ट हो गए। तो अब इनको क्या करेंगे, मैं जो करता हूँ मैं इनको सबको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इन सब को यहाँ पे खींच के जो है यहाँ पे रख लूँगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं आ चुके हैं। पर अभी दिक्कत क्या है कि आप किसी भी को भी देखेंगे ना, देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये स्लाइड दिखाता हूँ, तो इसमें पूरी स्लाइड जो है वो आ नहीं रही है। तो इतनी देर में इतना तो पढ़ नहीं सकते लोग, बाग भी नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है जहाँ ये इंस्टाग्राम का फ़ोटो दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये क्रॉप का साइन है यहाँ, तो इस क्रॉपिंग पे दबाना है और यहाँ पे स्टाइल के सामने ये फिट पे कर देना है और रीसेट के सामने जो ये बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पे दबा देना है। तो अब देखिए आप कि भाई जो सारे फ़ोटोज़ हैं वो सारे के सारे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, देख रहे हो आप सबके सब फ़ोटोज़ जो हैं वो पूरे पूरे आ रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ तो भाई मुझे थोड़ी इसकी आवाज़ जो है वो इन्हेंस करनी है। तो सबसे पहले पहले हम इसको जो थोड़ा साइज़ इसका हम बढ़ा लेंगे, जैसे हम इसको करते हैं, मैंने इसको 20 सेकंड कर दिया इसको। ये मैं फ़ोटोज़ के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना आप टाइम लेते हैं आप उतना ही इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम लेते हैं तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं जो हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ बोलने में, तो भाई मैं इसको थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ ऐसे बढ़ाने के लिए। तो मैं पहले इसको बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। तो भाई मैंने जैसे आपने देखा कि भाई मैंने इन सब की जो है अपने हिसाब से डायमेंशन जो है वो कर ली है। अभी आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप इन सबको जो है सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको इन पर थीम लगानी है, जैसे टेक्निकल गुरुजी की थीम आती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, व्यू पे जाना है। इधर जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, विंडो में आता है नीचे, देखिए ये, या तो कमांड 6 आप प्रेस कर दीजिए या थीम चूज़र दिख रहा है, थीम चूज़र पे दबाइए और देखिए न्यूज़ कास्ट ऐसी आती है ना, या तो ऐसी आती है उनकी या ऐसी आती है। तो भाई हम ये वाली चूज़ कर रहे हैं जो जिस पर न्यूज़ कास्ट लिखा हुआ है, और इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो भाई अभी आप देखिए कि जो हमारी थीम है वो ये आ चुकी है, और ऐसे ही देखिए उनकी जो वीडियो स्टार्ट होती है टेक्निकल गुरुजी की वो ऐसे ही स्टार्ट होती है, और यहाँ पे वो अपना नीचे फ़ोटोज़ लगा लेते हैं तो उनकी एकदम न्यूज़ आ जाती है। तो भाई ऐसे करके हमने वो करना है, मतलब अपनी जो थीम है उसको लगा देना है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ चलिए कि जो ये लिखा आ रहा है ना, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। तो दो बार जो ये थीम नीचे आ रही है ना इंस्टाग्राम के ऊपर ये दिख रहा है, अब इसको दो बार टैप करें, यहाँ पर जाके आप सिंपली इसमें लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट टेक न्यूज़, और इस पर नीचे का इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपने ये देखा। अब आप इसको यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये इस पर डन कर देना है, देखिए अब ये आ चुकी है। फिर आपको लगेगा कि यार उसके उसमें तो आवाज़ भी आती है, जो सर करते हैं तो उनके उसमें तो आवाज़ भी आती है वीडियो में। तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, यहाँ तो माई मीडिया लिखा हुआ है, इसके बराबर में लिखा हुआ है ऑडियो, ऑडियो में ये न्यूज़ दिख रहा है आपको, इसको सिंपली न्यूज़ पर जाके तीन फिंगर्स अपनी रख के और इसको ड्रैग कर लेना नीचे,
ये आगे नीचे। अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम किया, ये यहाँ से काट देना है और भाई बिल्कुल इसको यहाँ लगा देना है। अब देखिए आवाज़ भी आएगी। देख रहे हो, उसको इस आवाज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो भाई मैं इस आवाज़ को थोड़ी कम रखता हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो पूरी आ सके। फिर आपको लास्ट में भी करना यही है कि लास्ट में जाके आपको यहाँ पे भी चेंज कर देना है जो भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो भाई आपको बस ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है एडिट करना। सर बहुत आसानी से एडिट कर लेते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर। ऐसे आपने ये जो है वो एडिट कर लिया है। अभी क्या है आपको अपनी आवाज़, जैसे मैं फ़ोटोज़ पे वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मुझे अपनी आवाज़ डालनी होगी, तो मैं इसके नीचे अपनी आवाज़ यहाँ से डालूँगा और यहाँ से डालने के आवाज़ डलेगी यहाँ से। माइक दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो इसके नीचे जो है आवाज़ आपकी रिकॉर्ड होती चली जाएगी और आप अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको फिर चलिए सेव करने की बात बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऊपर जाना है और फाइल में जाके आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे आप कुछ भी इसका नाम देते हैं और फिर इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी इतनी बढ़ा सकते हैं, तो फास्टर की जगह बेटर क्वालिटी कर सकते हैं। इतने MB में ये एस्टिमेटेड जो है ये सेव हो जाएगा। तो भाई अभी के लिए तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपके सुझाव हो या कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।